आपण याच्या रिलेटेड बघितली होती बघा क्लासमध्ये, कशाच्या रिलेटेड? क्वेश्चन नंबर 20 च्या रिलेटेड आपण एनर्जी, वर्क आणि पॉवर याच्याबद्दल डिस्कशन केलं होतं. आता इथं सध्याला बेसिक बेसिक अशा टाईपचे क्वेश्चन येतात बघा. 16 ला पडलेला प्रश्न आहे, सोपे प्रश्न असतात, फक्त वेक्टर आणि लॉज ऑफ मोशनचं कॉम्बिनेशन आहे. त्याने काय सांगितलं, एक पार्टिकल आहे जो मूव्ह करतो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. म्हणजे हे त्यांनी पोझिशन वेक्टर वेक्टर दिलं ना त्याचे, ही एक पॉईंट असणार ए सपोज आणि हा एक पॉईंट असणार बी सपोज. त्या एचे वेक्टर माहिती आपल्याला, पोझिशन वेक्टर म्हणजे कुठून ओरिजिन पासूनचा हा वेक्टर काय असतो, पोझिशन वेक्टर असतो, ओरिजिन पासून तेवढा तो. म्हणजे हा ए वेक्टर झाला आणि बी वेक्टर पण असेल पोझिशन वेक्टर, तो असेल हा 4i 4j+3k, हा जो असेल हा बी वेक्टर असेल, पोझिशन वेक्टर ऑफ बी. आणि हा ए पासून बी पर्यंत काय करणार आहे, ट्रॅव्हल करणार आहे, म्हणजे इथून असं ट्रॅव्हल करणार आहे तो. तर मग त्यांनी प्रश्न विचारलाय की फोर्स ऑफ 4i+3j न्यूटन असेल तर मग अप्लाइड वर्क किती असणार. ठीक आहे, मग आता याला थोडंसं समजून घ्यावं लागतं बघा. त्यांनी वर्क विचारलंय म्हटल्यावर तुम्हाला वर्कचा फॉर्म्युला आला पाहिजे. काय असतो वर्कचा फॉर्म्युला? फोर्स इनटू फोर्स डिस्प्लेसमेंट. इंटू डिस्प्लेसमेंट, बरोबर. आपण काय करायचं, तर मी सध्याला हे एलिमिनेट करून घेतो. ठीक आहे, हा न्यूमेरिकल बघा इथं समोर, याच्यामध्ये काय काय दिलेलं आहे तुम्हाला. एक पॉइंट दिलेला आहे, हा दुसरा पॉइंट दिलेला आहे आणि हा फोर्स दिलेला आहे. ठीक आहे, आणि विचारलं काय आहे, वर्क वर्क किती येणार ते विचारलं. ऑनलाईन आवाज येतोय का क्लिअर? हो बघा यस. तुम्हाला हे दोन पॉइंट जर त्यांनी दिलेत ना, तर आपण हे इमेजिन करून घेऊ इकडे कंडिशन. सपोज हा एक ए पॉइंट असेल आणि हा बी पॉइंट असेल, याचा पोझिशन वेक्टर तुम्हाला माहिती आहे, म्हणजे पोझिशन वेक्टर आहे -2i+5j. ठीक आहे, दिसतंय का? आणि बी चा पोझिशन वेक्टर आहे 4j+3k. ठीक आहे, आणि या पोझिशन वेक्टरच्या मध्ये तो काय करतोय, मोशन क्रिएट करतोय ए पासून बी पर्यंत जातोय. ठीक आहे, आणि त्यांनी फोर्स किती लावला एवढ्यासाठी, तर एवढं इथून इथपर्यंत जाण्यासाठी त्याच्याकडे जो फोर्स अवेलेबल आहे तो फोर्स पण दिला त्यांनी वेक्टर मध्ये, तो 4i+3j नावाचा फोर्स आहे न्यूटन मध्ये. कळलं? आता तुम्हाला वर्क काढायचंय, काढायचं त्याला वर्क. आता वर्क काढायचंय म्हणजे काय, वर्कचा फॉर्म्युला असतो आपल्याकडे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. पण आता हे वेक्टर मध्ये ना, मग घेताना पण कसं घ्यावं लागेल वेक्टर मध्ये, कारण हे पण क्रॉस प्रोडक्ट असतो त्यांचा. काय असतो तो? क्रॉस प्रोडक्ट असतो. किंवा डॉट प्रोडक्ट पण घेऊ शकता तुम्ही, मॅग्नेट्यूड पाहिजे असेल तर. आता ऑप्शन मध्ये काय ते महत्वाचं आहे, ऑप्शन मध्ये फक्त मॅग्नेट्यूड दिली, मग त्यामुळे कोणता प्रोडक्ट घ्यायचा, डॉट प्रोडक्ट. आणि ऑप्शन मध्ये जर आय जे के असं असेल तर मग क्रॉस प्रोडक्ट. ते कशावर डिपेंड आहे, ते ऑप्शनवर डिपेंड आहे. कळलं? मग आता तुम्हाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करावं लागेल की नाही, मग तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट तर माहिती पाहिजे. डिस्प्लेसमेंट कसं काढणार, ही तुमची कुठली पोझिशन आहे फायनल आणि ही कुठली पोझिशन आहे इनिशियल, यांच्यातला डिफरन्स म्हणजे डिस्प्लेसमेंट. मग तुम्ही काय करा, फायनल पोझिशन मधून, फायनल डिस्प्लेसमेंट मधून इनिशियल डिस्प्लेसमेंट काय करा, मायनस करा, म्हणजे ऍव्हरेज डिस्प्लेसमेंट, जे ऍक्च्युअल डिस्प्लेसमेंट आहे ते भेटेल. मग तुम्ही फायनल डिस्प्लेसमेंट काय तुमचं 4j+3k, यातून तुम्ही मायनस करणार आहे कोणाला, -2j. जे काय आहे, आय. ठीक आहे, हा इथे आहे ना हा क्वेश्चन, i+5j. ठीक आहे, यानी तुम्हाला काय भेटेल, डिस्प्लेसमेंट भेटणार, जे की ऍव्हरेज डिस्प्लेसमेंट, एस म्हणजे डिस्प्लेसमेंट असतं, डिस्प्लेसमेंट शो करतात एस. आता मायनस कशी करतात आपण, आय मधून आय मायनस करतो, जे मधून जे करतो आणि के मधून के करतो, बरोबर की नाही. मग आता हे बघा, याच्याकडे जे, याच्याकडे के आहे, याच्याकडे जे आहे आणि याच्याकडे केच नाही, पण याच्याकडे आय होता ना. मग पहिले काय करा तुम्ही, हे मायनस साईन मध्ये टाकून द्या, म्हणजे थोडं नॉर्मलाइज होईल, म्हणजे 4j+3k --+2j आणि -5j, 2i आणि -5j. कळलं? यातला आय ला कोणी जोडीदार नाही आहे. हे बघा, हा जेचं जे सोबत कनेक्शन होऊ शकतं, पण आय आणि के ला कोणी आहे का पार्टनर, मग त्यांचं काही नाही होणार, ते सॉल्व नाही होत ना. मग हा 2i जर तसा राहील, त्यानंतर -5j आणि 4j, -j -1j आणि हा +3k, हा काय झाला तुमचा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. जाऊ बोलवतो तुला, हॉस्पिटलला जायचंय ना?
आला होता मला फोन, आता जायचंय का? जाऊ. सो डिस्प्लेसमेंट बघा, डिस्प्लेसमेंट आपल्याला दिलेलं आहे, आपल्याला फोर्स माहिती आहे, वर्क काढायला की प्रॉब्लेम येणार नाही. वर्कचा फॉर्म्युला काय येईल, आता वर्क इज इक्वल टू फोर्सचा वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंटचा वेक्टर, राईट. बघ फोर्सचा वेक्टर काय येतो, हा 4i + 3j, आणि यांचा डॉट प्रोडक्ट घेतला पाहिजे आपण. इथं डॉट प्रोडक्ट येईल, मॅग्निट्यूड पाहिजे, मॅग्निट्यूड पाहिजे, डॉट प्रोडक्ट येईल. आणि याचा वेक्टर कोणासोबत, 2i - j + 3k सोबत. आता डॉट प्रोडक्ट कसा घेतात, आय सोबत मल्टिप्लिकेशन, जे चं जे सोबत आणि के चं के सोबत. आता त्याच्याकडे के नाही म्हटल्यावर काय, 0k असेल तो, समजलं का? इथं काय असेल, 0k असेल, 0k+ असेल तो, प्लस असेल आणि ब्रॅकेट असेल. आता काय होईल, आय चं आय सोबत मल्टिप्लिकेशन, जे चं जे सोबत मल्टिप्लिकेशन, के चं के सोबत मल्टिप्लिकेशन आणि त्याची ऍडिशन. डॉट प्रोडक्ट कसा करतात, 4 × 2 = 8 प्लस मायनस मायनस होईल, 3 × इथं 1 आहे म्हणजे 3, आणि 0 × काही पण करा 0च. मग 8 - 3 किती, 5 का, जूल. हा मग 5 वर येणार तुमचं जूल मध्ये. ऑप्शन जो असेल तो टिक मारायचा, कुठला, डी, कळलं. सोपं लॉजिक याच्या मागे, वर्क आणि याचे पॉवर क्वेश्चन खूप कठीण नसतात, थोडे अर्धे जास्त. तुम्हाला थोडं डिस्प्लेसमेंट वगैरे व्यवस्थित समजलं पाहिजे, नीट फोर्स पण कळला पाहिजे. वेक्टर मध्ये आला, जर त्यांनी ऑप्शन वेक्टर मध्ये दिले असतील तर क्रॉस प्रोडक्ट काढा, आणि जर ऑप्शन मॅग्निट्यूड वाईज दिले असतील तर डॉट प्रोडक्ट काढा, कळलं. ऑनलाईन काही प्रॉब्लेम आहे का कोणाला? नो सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. मग आता हा पण तोच दिसतोय बहुतेक, हा सगळा एकच पॅटर्नच आहे, समजा याच पॅटर्नवर प्रश्न पडत राहत होते. आता पॅटर्न जर तुम्ही नीट बघितला तर हा तुम्ही घरी पण सॉल्व्ह करू शकता. अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस पोझिशन टू दिस पोझिशन अँड फोर्स इज दिस, व्हॉट इज द वर्क. सेम कंडिशन आहे, फक्त मागच्या वेळेस त्यांनी वेक्टर देऊन ठेवले होते, आता त्यांनी पॉईंट दिले. मग पॉईंटला आय जे के लावले की वेक्टर तयार होतो, काय मोठी गोष्ट आहे. आता पॉईंट आहे की नाही, याला आय लावला प्लस 0j प्लस 3k लावला की वेक्टर तयार होतो, मग ही झाली इनिशियल पोझिशन. आणि याला आय जे के लावले की तो फायनल पोझिशन तयार होईल, 3i - 3i + 4j + 5k, ही झाली फायनल पोझिशन. पहिले यांच्यातली मायनस करा, कळला. सबट्रॅक्शन, सबट्रॅक्शनने काय भेटेल, डिस्प्लेसमेंट भेटेल. म्हणजे डिस्प्लेसमेंटला या फोर्सने काय करा, मल्टिप्लाय करा, काय भेटेल, वर्क भेटेल, येईल ते आन्सर बरोबर. सेम न्यूमेरिकल आहे, रिपीट झालाय, फक्त थोडा चेंज झालाय, कळलं. डिवाइड कशाला, मल्टिप्लाय होईल ना, जून मध्येच पाहिजे ना वर्क. आपण तसं दिसतोय काहीतरी, हे बघा युनिफॉर्म फोर्स दिलाय इन न्यूटन मध्ये, म्हणजे फोर्स दिलाय हा ऑफ मास 2 kg, एक पार्टिकल त्याचा मास किती आहे, 2 kg आहे. हेन्स द पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पोझिशन टू दिस पोझिशन अँड द वर्क डन बाय द फोर्स. आता वर्क विचारलाय, गरज आहे ना मासची, वर्क काढण्यासाठी मासची गरज आहे का? वर्क काढण्यासाठी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सफिशियंट आहे. फोर्स तुम्हाला दिलेला आहे किती, 3i + j, करेक्ट. डिस्प्लेसमेंट कसं काढतात, डिस्प्लेसमेंट कसं काढतात, फायनल मायनस इनिशियल पोझिशन करा. तो कुठून कुठे चाललाय ते महत्वाचं आहे, लक्षात ठेवा बघा, कुठून कुठे चाललाय तो, तो या पोझिशनला होता आणि इथून कुठे चाललाय, या पोझिशनला चाललाय, बरोबर. मग हे इनिशियल झाली आणि ही फायनल झाली, यांच्यातला डिफरन्स म्हणजे डिस्प्लेसमेंट. मग यांची मायनस करा, म्हणजे 4i + 3j - k, यातून तुम्ही मायनस करा 2i + k ला. आता मायनस सारख्या सारख्यांसोबत होते, म्हणजे 4i - 2i होईल, म्हणजे 2i उरतील, 3j कोणीच मायनस होणार नाही, 3j राहील, आणि -k + k 0k, 0 हा -2k होईल, ठीक आहे. मग हे झाला तुमचा डिस्प्लेसमेंट, आणि याला तुम्हाला कोणाला मल्टिप्लाय करायचं, फोर्सला, म्हणजे वर्क भेटेल. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे वर्क असतं. मग डिस्प्लेसमेंट काय आलं तुमचं, 2i + 3j - 2k,
आता आय टू आय, जे टू जे आणि के टू के मल्टिप्लिकेशन करून घ्या. आयचा आय सोबत 3 2 6 प्लस जेचं जे सोबत 3 1 3 मायनस 0 0 तीन ते का नाही, इकडे 0 आहे ना, मग त्याचा आन्सर येईल 6 प्लस 3 9 का 9 जूल आन्सर आहे म्हणजे 1. कळालं? मग सेम पॅटर्नचे क्वेश्चन्स असतात, पॅटर्नकडे लक्ष ठेवा. आता हा पण एक त्याच पॅटर्नचा दिसतोय मला कसा. कन्सिडर पार्टिकल ऑफ कॉन्स्टंट फोर्स दिलाय, दुसरा फोर्स दिलाय, ऍक्ट टुगेदर रिझल्टिंग इन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पोझिशन टू दिस पोझिशन, द टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज. आता मी टोटल वर्क डन विचारलं बघा या केसमध्ये. ठीक आहे, याला बघा, दोन फोर्सेस दिलेत ना सेपरेटली. काय म्हणतो तो, कन्सिडर पार्टिकल ऑन विच कॉन्स्टंट फोर्सेस एफ वन अँड एफ टू ऍक्ट टुगेदर. एफ वन पण आणि एफ टू पण दोन्ही सायमल्टेनियसली ऍक्ट होत आहेत. ठीक आहे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पोझिशन टू दिस पोझिशन, म्हणजे हे वेक्टरच दिलेत त्यांनी, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे यांच्यामधलं भेटेल आपल्याला. ठीक आहे, आता थोड्या याला पाहू. 20 किती नंबरचा समय तो, 23. काय काय दिलं आपल्याला 23 मध्ये? एक ऑब्जेक्ट असेल समजा काहीतरी, तो ऑब्जेक्टला त्यांनी दोन फोर्सेस लावले सायमल्टेनियसली, बरोबर, एक एफ वन लावलाय आणि एक एफ टू लावलाय. त्यांनी काय होतंय, त्याचं डिस्प्लेसमेंट होतंय. हा आर वन पोझिशनला होता, तिथून तो कुठल्या पोझिशनला जातोय, आर टू पोझिशनला काय होतोय, डिस्प्लेस होतोय. डिस्प्लेस झाला ना, ही इनिशियल पोझिशन आहे, ही कुठली पोझिशन आहे, फायनल पोझिशन आहे. मग त्यांनी आता हे सगळं वेक्टर मध्ये दिलंय, हा एफ वन पण त्यांनी वेक्टर दिलाय. काय दिलाय तो एफ वन वेक्टर इथं आहे. हाँ, दोनों को ऐड करना पड़ेगा. ये बंद कर रहे क्या? ते मांजर देते तिला दूध हवा असले. हे बघा, हा पहिला जो वेक्टर आहे ना, हा काय आहे, आय प्लस 2j + 3k, आणि हा जो दुसरा वेक्टर आहे हा काय आहे, 4i - 5j आणि -2k. आणि हे आर वन ची व्हॅल्यू जी दिली आहे ती आहे 20i + 15j, आणि आर टू ची जी व्हॅल्यू आहे ती फक्त 7k. करेक्ट. अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना. हाँ, तो देखो अब ये दोनों फोर्सेस की हमें क्या करनी पड़ेगी, सब टोटल मिला के फोर्स लग रहा है ना, तो टोटल जो फोर्स आएगा वो टोटल फोर्स कितना आएगा, एफ वन प्लस एफ टू. एफ वन जीरो कस का है, जीरो कसा नाही ना, एकाच बाजू नाही ना, दोन्ही बाजूनी बॅलन्स होईल, रेस्ट मध्ये असेल तर झिरो येईल रेस्ट मध्ये कधी, मग एक ऍडिशनल फोर्स लागतो ना त्याच्यावर. आता यांचे काय करा, सम करा, आय प्लस 2j + 3k, आणि याला प्लस करा कोणासोबत, 4i - 5j आणि +2k -2k. मग ऍडिशन करा आय ची आय सोबत, आय प्लस 4i, हाऊ मच, 5i प्लस 2j आणि -5j म्हणजे किती, -3j. और यहाँ पे 3k और -2k प्लस के, तो ये एफ हो गया तुम्हारा जो लगने वाला फोर्स है. अब बची बात डिस्प्लेसमेंट की, अगर वर्क निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर है तुम्हारे पास, ये भी है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आर टू में से आर वन को माइनस करना पड़ेगा, आर टू में से आर वन ना, फाइनल में से इनिशियल. तो फिर फाइनल क्या था तुम्हारा, 7k था, तो इसका मतलब इसके पहले भी जीरो था, इसके पहले भी जीरो था, बराबर है कि नहीं. उसमें से माइनस करना है हमको क्या, 20i + 15j + 0k. करेक्ट, तो माइनस करके देखो, तो माइनस आएगा, जीरो में से 20 चले गए तो -20j, 20i, जीरो में से 15 चले जाएंगे तो -15j, और 7k में से जीरो चला जाएगा तो 7k. कड़ा, तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया. अब वर्क चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर. तो फोर्स और इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेना आई क्या जे जे के, ठीक है, तो ये है 5i - 3j + k, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -20i - 15j और +7k के.
तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये आई का आई के साथ, जे के साथ और के का के साथ, ठीक है। तो करो मल्टीप्लिकेशन, कितना आ रहा है बोलो, 5 × 20 -100, -20 था ना, -3 × -15 +45 और 1 × 7 +7, करो इसको सॉल्व। 45 प्लस 7 हाउ मच, 52 मिलते, 52 -100, 52 ये तक है। 52 -100 करा 48, 48 हाँ बराबर ना, -48, तो वर्क नेगेटिव लग रहा है फिर इसका तो। आएगा नेगेटिव वर्क थोड़ी लगता बंदे को। लग सकता है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होगा। लेकिन मोमेंट अब अपने डायरेक्शन में किसका फोर्स, तो एक दोनों एक ही जगह पे है। होता है ना कभी कभी, अगर हम फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहे लेकिन मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ऐसा होता है। वर्क वर्क के बारे में क्या होता है देखो, मैं बताता हूँ, देखो ठीक है, ये समझ गया क्या। अब इसमें ना एक दिक्कत है, शायद क्वेश्चन में ऑप्शन में से है नहीं, पॉइंट पॉइंट में है क्वेश्चन, देखो तो 0.0.0। हाँ तो दिक्कत यह है कि ये सेंटीमीटर में, कौन सा डिस्टेंस, और ये न्यूटन में था, तो ये न्यूटन होने की वजह से ऐसा है। और सेंटीमीटर सेंट मीटर में कन्वर्ट हाँ, तो पहले इसको सेंटीमीटर से मीटर में लाओ और फिर डालो, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान ना देने की वजह से गड़बड़ हो गया, समझे क्या। ये एसआई यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। तो क्वेश्चन में बस क्या दिक्कत थी, जो तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा था वैसे ही आएगा, बस ये जो डिस्टेंस तुम ला रहे हो डिस्प्लेसमेंट, देखा आप ये वाला, ये वाला इंटू 10^-2 कर दो, मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, मीटर में। या अभी फिलहाल किस में था, सेंटीमीटर में था, ठीक है ना। 10^-2 माइनस टू का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100। तो ये 10^-2 -2 चलते रहेगा आगे, ठीक है। और इसको भी 10^-2 आएगा, तो उसकी वजह से दोनों पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे, तो 0.48 आएगा माइनस में, जून में, समझ गए। दो पॉइंट जब माइनस आते हैं ना, तो दो पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होना है, और प्लस आते तो दो पॉइंट राइट में शिफ्ट करना है, पावर में 10 की। ये दिक्कत क्या क्यों हुआ, क्योंकि ये मीटर दिया नहीं था, ये सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर को मीटर में लाके फिर सॉल्व करना पड़ा, तो दैट्स व्हाई वो 2 डिजिट शिफ्ट हो गए, समझ गए। और ये माइनस वर्क क्यों आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। या तो कोई किसी को ऑनलाइन कई प्रॉब्लम है, कुणाला, आर्या, मयूरी, पूर्वा, पुष्पा, सर नो जितेश, सर बोला, डाउट साले ले विचार चला सगड़े जाना। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, वर्क निगेटिव कैसे होता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक आता है और फिजिक्स में भी आता है वर्क का। देखो हमारे फिजिक्स में मशीन की डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं, मशीन ने एनर्जी को मतलब लेना चाहिए इनपुट बोल के, और वर्क उसने देना चाहिए आउटपुट बोल के, समझे क्या। ये वाला मशीन हमारे लिए अच्छा वाला मशीन, मतलब फिजिक्स ये मानता है कि ये मशीन होना चाहिए आइडियल आइडियल मशीन। मतलब आइडियल मशीन क्या करता है फिजिक्स के लिए, वो एनर्जी को लेता है वर्क देता है। तो हर कोई गाड़ी वगैरह जो रहती है मैकेनिकल सिस्टम में, जो फिजिकल सिस्टम है, उसमें आप हमेशा देखो वो एनर्जी लेता है वर्क देता है, फैन एनर्जी लेता है वर्क देता है, और गाड़ी मोटरसाइकिल जो भी है सारी वो एनर्जी लेते रहते हैं वर्क देते रहते हैं। ये सारी सारी फिजिकल सिस्टम है, जैसे केमिस्ट्री आ जाता है वैसे सिस्टम उल्टा हो जाता है। केमिस्ट्री क्या बोलता है, हमारे लिए मशीन वो अच्छा है जो वर्क ले और एनर्जी दे, समझे क्या। मतलब उनके लिए टरबाइन इंपॉर्टेंट चीज है, टरबाइन जैसी चीज है, मतलब उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वर्क कितना मिल रहा है, वो तो वर्क मैकेनिकल से ले लेंगे, उनको एनर्जी चाहिए होता है केमिस्ट्री में, एनर्जी चाहिए उनको आउटपुट की तरह। तो ये थोड़ा सा बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। तो फिजिक्स क्या बोलता है कि जब वर्क मिलेगा आउटपुट बोल तो पॉजिटिव, और केमिस्ट्री बोलता है वर्क अगर देना पड़ा तो पॉजिटिव, नहीं समझा। पॉजिटिव नेगेटिव से क्या है तो इसमें। वही तो मैं बता रहा हूं, तो वर्क पॉजिटिव और वर्क निगेटिव मतलब कनेक्शन कैसा है वो, अगर तुम्हारे सिस्टम कोई सिस्टम है उसको मुझे वर्क देना पड़ रहा है, तो फिजिक्स उसको निगेटिव बोल देगा। मतलब उसमें एनर्जी आ रही हाँ मतलब नहीं, एनर्जी लेके वर्क देना चाहिए और नॉर्मल चीज है उसके लिए, मतलब उस टाइम वो वर्क को पॉजिटिव बोलता है, वर्क मिलना मिलना चाहिए हमें, मशीन ने वर्क देना चाहिए तब उसको पॉजिटिव बोलता है। और अगर मशीन वर्क लेगी
तो उसको निगेटिव बोलता है, समझे क्या? तो ये वही चीज होती है। और ये ऐसा क्या होता है, जैसे फिजिक्स में यहाँ पे भी और चीजें हुई कि अगर तुम उस जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो अपने आप वर्क निगेटिव आने लगता है, समझे क्या? वर्क की वैल्यू अपने आप निगेटिव होती है। तो ये भी एक कनेक्शन है उसका। अल्टीमेटली दोनों एक ही चीज है, दोनों का मतलब अल्टीमेटली एक ही आता है, बस ये थोड़ा फिजिकल लैंग्वेज में आता है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। प्रैक्टिकली बोला जाता है कि वर्क मिलना चाहिए तो पॉजिटिव, दिया गया सिस्टम को तो निगेटिव। और बेसिकली फिजिक्स क्या बोलता है कि अगर हमने फोर्स देने के बाद अगर निगेटिव सिस्टम, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में दिया उसी डायरेक्शन में अगर मोशन ना हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस वक्त हम फोर्स को, वो जो वर्क क्रिएट होगा उसको निगेटिव मानेंगे, क्योंकि हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया था उस डायरेक्शन में हो नहीं रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो वर्क इस केस, ये दो केसेस में निगेटिव हो जाता है, बाकी अदरवाइज कोई केस में निगेटिव नहीं होता। तो एक मशीन की केस और ये दूसरी वाली केस। तो यहाँ पे जो फिलहाल कनेक्शन है वो इसका है, हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में जा नहीं रहा है, वो उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है। तो तुमने फोर्सेस को अगर देखा होगा ना तो तुम्हें पता चल जाएगा, दूसरा वाला जो फोर्स था ना वो सिर्फ 7 के था, मतलब डिस्टेंस देखो तुम, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, यहां से यहाँ पे आ रहे हो, समझे गया? हाँ, इसलिए वो निगेटिव वर्क आ रहा है एक्चुअल में, ठीक है? अब ठीक है, हाँ। तो चलो आगे चलो, अब 28 नंबर का समय देखो, ये थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है अभी यहाँ पे। अब वर्क के क्वेश्चन खत्म हो गए, तो वर्क के एक पैटर्न में चलते हो, वो पैटर्न समझ गया होगा तुम्हें, एक पर्टिकुलर पैटर्न में चलते रहते पूरे क्वेश्चन। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, वर्क का ही है बस थोड़ा सा अलग है। क्या है इसमें, देखो एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स दे के रखा है, टाइम डिपेंडेंट फोर्स मतलब जो टाइम पे डिपेंड है, टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो बोला बोला है ना उसने 60 है, 6 × t, तो t बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो टाइम डिपेंडेंट फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल ऑफ 1 kg मास, 1 kg का मास है उस पे वो टाइम डिपेंडेंट फोर्स लग रहा है। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड में कितना वर्क होगा वो बताओ, ठीक है? क्वेश्चन मैं थोड़ा विजुलाइज करके देता हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा मैं यहाँ पे रहने दूँगा। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे विजुलाइज कर लो क्वेश्चन। देखो एक पार्टिकल है कोई तो भी, 1 kg का मास है, ठीक है? कितना ही है, 1 kg, बोल के रखा है, दैट्स व्हाई वो क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है ऐसे, जो कि टाइम डिपेंडेंट है, मतलब वेरिएबल फोर्स रहेगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे उसने फोर्स लगाया वो है 60 नाम का फोर्स। अब वो एक टाइप का इक्वेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं तुम्हारे पास, तो टाइम के हिसाब से वैल्यू चेंज होते रहेगी। 60 फोर्स लगाया, ये जो ऑब्जेक्ट था पहले रेस्ट में था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, रेस्ट में था तो एक्सेलेरेशन भी बेसिकली 0 ही होगा शुरुआत में, बराबर है कि नहीं? फिर बाद में ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, फिर मूव होने के बाद ये 1 kg का जो मास आ गया यहाँ पे वो 1 सेकंड के बाद मूव हो गया, मतलब इतना टाइम कितना हुआ उसको, 1 सेकंड टाइम है ये, टाइम है 1 सेकंड, 1 सेकंड में वो इस पोजिशन, इनिशियल पोजिशन से किस पोजिशन पे जा रहा है, फाइनल पोजिशन पे जा रहा है 1 सेकंड में। तो उसने वही पूछा है कि 1 सेकंड में कितना वर्क होगा वो बताओ, 1 सेकंड में कितना वर्क होगा, मतलब 1 सेकंड में वो जाएगा ना, तो फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो वर्क हुआ होगा ना, तो वर्क पूछा है, तो वर्क पूछा है, तो आपका बेसिक फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसके बिना कोई फॉर्मूला है नहीं तुम्हारे पास वर्क का। तो फिर हम उसी को आगे लेके चलेंगे, तो हमें अगर वर्क निकालना होगा तो हमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? अब फोर्स की वैल्यू पास है क्या, और टाइम में है ना, 60, टाइम में 60 नहीं है, 60 है, हाँ, तो टाइम में होने की वैसे दिक्कत है, का है? हाँ, मैं शुरुआती ला ना, नंतर तो वाढणार है ना ते, मैं 1 सेकंड मध्ये वाढेल ना तो फोर्स, आता कसं असतं, हे डायरेक्टली नाही चालू ते कनेक्शन, यहाँ पे एक्सेलेशन बढ़ेगा तो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले क्या करो, तुम ये फोर्स का फॉर्मूला लेके यहाँ से एक्सेलेशन निकालो,
ठीक है, एक्सीलरेशन कैसे मिलेगा एम ए, तो फोर्स है तुम्हारे पास 16, इसको तुम मास इनटू एक्सीलरेशन बोल सकते हो, kg मास, तो मास 1 kg है, हाँ तो 60 डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा, मतलब एक्सेलेरेशन आएगा, और एक्सेलेरेशन जो आएगा वो आएगा 460 है, 60 आएगा, बराबर है कि नहीं? हाँ, और 60 आ रहा है। अब तुम्हारे पास ये भी चीज है, क्या बोलते हैं, हमारे पास फोर्स भी 60 में ही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लगे तो एक्सेलेरेशन में डिस्प्लेसमेंट ही है ना, हमें डिस्प्लेसमेंट के बिना सॉलिड नहीं होगा वो, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा इसको, एक्सेलेरेशन जो होता है ना बेसिकली ये डबल डेरिवेटिव होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, समझे क्या, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होता है ना, तो तुम क्या कर लो इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इससे तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। रैंडमली भी सॉल्व कर सकते थे इसको, v² नहीं = 2a+2 नहीं 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 डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए नहीं डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, तो सोचने दो, हाँ दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है इसका। देखो एक ऑप्शन तो ये है कि तुम ये डिस्प्ले यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करके इसका डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए दो बार इंटीग्रेशन ले लो, क्योंकि डबल डेरिवेटिव निकालना है तो इंटीग्रेशन दो बार लेना पड़ेगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ला देगा इसकी। इससे अच्छा हम ये कर सकते हैं, इसमें मास दे के रखा है मल्टीप्लस किससे, आप यूटी प्लस आप टी स्क्वायर करके क्या करेंगे, लेकिन टी की एस वैल्यू नहीं ना रहा, तो टी कैंसिल यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, नहीं ना, लेकिन ये यू जो जीरो पी सी ये क्या बोलते जो आया यू यू भी नहीं पता, यू यू जीरो है जीरो, ना हाँ इनिशियल में 0 है, तो फिर कितना मिलेगा एक्सेलेशन, यहाँ से मिलेगा एक्सेलेरेशन 60, 60 एंड और टी की वैल्यू 1 डालनी पड़ेगी फिर, तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 सब ये बहुत ये हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ट्राई करके देखेंगे, मुझे जितना लग रहा है कि थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसको इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ट्राई करके देखेंगे हम, लिमिट हाँ ये भी ट्राई करके देखेंगे हम आता है या नहीं, लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि डबल डेरिवेटिव निकालो, नहीं तो फिर कम से कम वेलोसिटी तो भी निकालो, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन है तुम्हारे पास, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम रहता है तुम्हारा 60, बराबर है, जब भी इक्वेशन आते हैं ना तब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है, ये याद रखो, इक्वेशन में कभी भी कोई चीज दी, वेलोसिटी दिया, एक्सेलेरेशन दिया, फोर्स दिया, तो उसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यूज करके फिर नीचे वाले कॉन्सेप्ट निकाल के फिर सॉल्व करना पड़ता है, ऐसे हमेशा होता है, तो दैट्स व्हाई मैं ये टेक्निक यूज कर रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन हम रख लो ना एटीन जून आंसर है हाँ ठीक है ना, बघून आता याचं काय येतं, दोघांचं सारखं आलं तर चांगलीच गोष्ट। ठीक आहे, तर मी याचं इंटिग्रेशन घ्या, इंटिग्रेशननी dv बाय dt येतो ते, आणि हे याचं पण इंटिग्रेशन येईल 60, इंटिग्रेशन आएगा फिर इसका dt आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो फिर इसका इंटिग्रेशन कितना आता है 60 का, 6 तो कॉमन निकल जाता है, फिर t² / 2 बराबर है, और ये इसका वेलासिटी हो जाता है फिर, बराबर है कि नहीं। ठीक है, वेलोसिटी काढून पण होऊन जाईल आपलं, कारण वर्क एनर्जी थेरम शिकवला होता बघा तुम्हाला, 1/2 m v² - u² आठवते का, म्हणजे फायनल फायनल वेलोसिटी मध्ये कायनेटिक एनर्जी आणि इनिशियल मध्ये कायनेटिक एनर्जी यांच्यातला डिफरन्स असतो, तो मग त्याच्याने पण काम होऊन जाईल, डबल डेरिवेटिव कशाला काढायचंय मग, कळलं का, तुम्ही काय करा, याला इंटिग्रेट करून टाका, तुम्हाला फायनल वेलोसिटी कुठून कुठपर्यंत पाहिजे, 0 पासून 1 पर्यंतची, याला इंटिग्रेट करा 0 to 1, म्हणजे ते 0 to 1च व्हायला पाहिजे ऍक्च्युली, तर इथे पण इंटिग्रेशन 0 to 1च येईल। ठीक आहे, ये आलं ना मग ते सेकंड इक्वेशनच आलं ते इनडायरेक्टली कारण ते यू यू टी होतं तरी उचल 0 आहे म्हणून बेसिकली एक तेच आलं मग व्हीचं काय भेटेल तुम्हाला, 6/1 येईल, 1 च इथं 1 स्क्वेअर, जिथं 0 च येईल म्हणजे 1 स्क्वेअर / 2, म्हणजे त्याचा आंसर 6/2 येईल म्हणजे 3 येईल, तेनी पण तेच आहे तेच येतंय का, हाँ मग चालतं की मग ते पण, एवढं रिकामे काम करण्यापेक्षा फोर सिक्स चलता मग ते पण, म्हणजे तुम्ही S = UT + ½ AT² म्हणून वापरू शकता,
बरोबर. चलतं ते पण मग तुम्ही टी ची व्हॅल्यू टाका, किती येईल ते, यू चे ते झिरो येते, झिरो इंटू वन प्लस वन बाय टू ऍक्सलेशन इंटू वन येईल ते, मग पुन्हा वनचा स्क्वेअर येऊन जाईल, मग त्याचा आन्सर पण तुम्हाला तेच भेटतंय थ्री. बरोबर आहे, मग हे पण चालतं की पण ते डिस्प्लेसमेंट भेटायला लागले, हे वेलॉसिटी भेटते. वर्क मध्ये डिस्प्लेसमेंट आहे पोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट, तसं नाही ना, वेलॉसिटीची व्हॅल्यू ही 18 न्यूटन आहे. हा हा ना, ठीक आहे, बघू आपण ते आन्सर काय असेल ना, बघू 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 मॅच होतंय का. आता हे वर्कचा जो तुमचा फॉर्म्युला आहे, वर्क एनर्जी थेरम, तो काय म्हणतो तुम्हाला, तुमचं वर्क जे असणार ते वन हाफ इंटू मास, मास किती तुमचं 1 kg, आणि फायनल वेलॉसिटीचा स्क्वेअर म्हणजे 3 स्क्वेअर मायनस 0 स्क्वेअर येईल तो, मग त्याचा आन्सर काहीतरी 9 स्क्वेअर म्हणजे 9/2 येईल, त्याचा आन्सर काहीतरी 4.5 आलं पाहिजे, म्हणजे हे आन्सर आलं पाहिजे. त्याने किती येतोय, 18 येतोय ना, मग मग ते चुकतंय ना ते, किसने बोला एवढा सोपा नसेल रे, जेई मेन्स की एनर्जी का फॉर्मूला आहे ना, जेई मेन्स का क्वेश्चन है ये, 4 मार्क का क्वेश्चन इतना आसान डालेंगे नहीं वो, 4.5 समझे कि वो ऑप्शन तो रहेगा ना उधर, देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है यहाँ पे, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, ये जो तुम्हारे जो फॉर्मूले यूज होते हैं ना, ये वाले न्यूटन के, ये हमेशा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन उस टाइप के केसेस में यूज होते हैं, काइनेमेटिक्स. अब की जो चीज है ना वो वेरिएबल है टाइम के हिसाब से, समझे क्या, तो उस टाइम वो यूज नहीं हो रहा है, वर्क निकालना है तुम्हें, 1 सेकंड में बढ़ रहा है, अब कितना वेलोसिटी बढ़ रहा है और कितना घट रहा है वो नहीं पता ना मुझे, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा होगा, मुझे क्या पता. ये तुम्हारा जो काम करता है ना न्यूटन के फॉर्मूले, वो सिर्फ कॉन्स्टेंट रेट के हिसाब से काम करते हैं, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, घट रहा है तो घट ही रहा है, ऐसे रहता है. अब चीज थोड़ी अलग भी रहती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज होना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीज होना, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीज होना, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज होना, ऐसी भी चीजें रहती है, ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से निकालते हैं, मतलब समझा नहीं होगा तुम्हें. ठीक है, मैं बताता हूँ, ये तो समझ गया ना कैसे निकालते हैं. हाँ, मैं तुम्हें ये बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई प्रेशर है, समझो प्रेशर, बराबर है, प्रेशर तुम्हारा हम ऊपर जाते हैं कि नहीं, तो प्रेशर घटते रहता है, मतलब डिक्रीज होते रहता है, बराबर है, लेकिन डिक्रीज होने का जो रेट है ना वो बढ़ते रहता है. मतलब देखो पहले क्या था, समझो प्रेशर 100 का था, फिर बढ़ गया, फिर यहाँ पे समझो ये डिस्टेंस कुछ तो भी था, समझो 1 किलोमीटर, समझे, तो यहाँ पे समझो 50 हो गया, 50 पास कर, फिर और अगर ऊपर आ जाएगा ना, तो ये 1 किलोमीटर में ही जो हो जाएगा ये डायरेक्ट 20 पास्कल हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाता है, रेट अगर तुम देखोगे तो ये लगभग यहाँ पे 2 पास्कल या 1 पास्कल ऐसे कुछ तो भी हो जाता है, लगभग 3 किलोमीटर भी, समझे. तो अभी तुम डिफरेंस को देखो, यहाँ पे 50 का डिफरेंस था, फिर जो डिफरेंस है वो और ज्यादा परसेंटेज में घट गया, मतलब 50% से भी ज्यादा घट गया, समझे क्या, और उसके बाद में तो फिर बहुत ज्यादा परसेंटेज से कम हो गया, मतलब जो है उसका वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है और वैल्यू भी कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीज होना, समझा. तो ऐसी चीजें हर जगह पे होती रहती है, मतलब एक्चुअल में इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है ऐसे नहीं है, वो इंक्रीज होने का भी एक रेट होता है, किस तरह इंक्रीज हो रहा है, जैसे पानी का भी रहता है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ जैसे रहता है. देखो आप अगर एक गर्म बॉल ले लो और पानी में डाल दो, ठंडे पानी में, तो शुरुआत के 1 सेकंड में ये जो हीट बाहर छोड़ेगा, ये बहुत ज्यादा हीट छोड़ देगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और इसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो दोनों के टेम्परेचर में जितना डिफरेंस होता है उतना उसका रेट होता है बाहर छोड़ने का. तो शुरुआत के 1 सेकंड में सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर हो जाएगी. अगर तुम उसी बॉल को अभी निकाल के दूसरे ठंडे पानी में डालो, तो जैसे जैसे ये पानी का टेम्परेचर बढ़ते चलेगा ना, और ये बॉल का टेम्परेचर कम होते चलेगा, वैसे टेम्परेचर का डिफरेंस भी कम होते चलेगा, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जैसे कम हो जाएगा ना, वैसे उसका कूलिंग का रेट भी कम हो जाएगा, मतलब वो जल्दी जल्दी कूल नहीं करेगा, फिर स्लो स्लो कूल करेगा. तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना कूलिंग रेट भी ज्यादा होता है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है. तो ऐसी चीज है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज तो हो रहा है,
लेकिन उसका जो रेट है डिक्रीज होने का, वो रेट भी डिक्रीज हो रहा है, समझे क्या? मतलब पहले एक सेकंड में जितना कूलिंग हुआ था, अब दूसरे सेकंड में उतना कूलिंग नहीं होगा, तीसरे सेकंड में उससे और कम होगा, चौथे सेकंड में उससे और कम होगा। तो पहले सेकंड में जितना कूलिंग हुआ, 5 सेकंड बाद 10 सेकंड लगेंगे उतना कूलिंग होने के लिए, समझे क्या? तो टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसी वाली जो चीजें रहती है ना, ये हम नॉर्मल काइनेमेटिक्स से सॉल्व नहीं कर सकते इसको, इसके लिए फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, समझे क्या? तो अभी वो इस क्वेश्चन में वो दिक्कत है, वो पर्टिकुलरली हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, तो इसलिए हम इक्वेशन दिया तो फिर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से ही चलेंगे। 18 तो दिख रहा है नहीं इधर आंसर, लेकिन वो इनकरेक्ट है, समझे क्या? ऑप्शन में तो देख के रखेंगे ना, वो कंफ्यूज करना है तो डालेंगे। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आसानी से तो नहीं आएगा, कोई तो मैंने बताया ना अभी, वर्क फॉर्मूला एनर्जी धर्म से। हाँ है क्या? फिर तो बताया मैंने, एनर्जी के बीच में जितना डिफरेंस होता है उतना ही वर्क होता है, समझे क्या? हाँ, शुरुआत में जो एनर्जी रहती है और फाइनल में जो एनर्जी रहती है, इनके बीच में का गैप। तो फाइनल के काइनेटिक एनर्जी में से शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दो, जितना वर्क हुआ उतना समझ जाएगा, समझे? अगला क्वेश्चन देखो, चलो। अ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज विद द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वी। अब देखो फोर्स वापस से वही देख रखा है, एक वेलोसिटी से है लेकिन फोर्स का टर्म्स के बाय वी है, के कांस्टेंट है लेकिन वी तो वेरिएबल है कि नहीं? तो वापस से वही वर्क निकालना पूछा, तो इक्वेशन में दिया मतलब क्या करेंगे, इंटीग्रेट वगैरह करेंगे, ठीक है? इक्वेशन आया मतलब इंटीग्रेट ही करना है, इंटीग्रेशन करना है, डेरिवेटिव करना है, कुछ तो भी करके वर्क निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला है यहाँ पे तुम्हारा, वो एक जगह से दूसरे पे जा रहा है ऐसी बात नहीं बोली उसने, बस क्या बोल के रखा है, कुटाई। मूविंग इन स्ट्रेट लाइन हाँ तो जा रहा है मतलब। अब तुम फोर्स से क्या निकालो, तुम्हें अगर वर्क चाहिए होगा तो तुम्हारे पास फोर्स तो है, लेकिन फोर्स से तुम्हें और एक चीज चाहिए, कौन सी? डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट कैसे तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो तुम क्या करो, फोर्स से पहले एक्सेलेशन निकालो, एक्सेलेशन से वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालो, समझे क्या? और एक्सेलेशन कैसे मिल जाएगा फोर्स से, फोर्स को तुम मास से डिवाइड करो तो एक्सेलेशन मिल जाता है, फोर्स को मास से डिवाइड करते एक्सेलेशन मिल जाता है। एक्सेलेशन से वेलोसिटी कैसे मिलेगी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलेशन रहता है, तो एक्सेलेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी आता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का कनेक्शन, ये बाद में समझ में आएगा तुम लोगों को, फिलहाल तो अभी ऊपर से जाएगा, ठीक है? तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो वापस से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये कैसे कनेक्शन रहता है, जो उसके डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव को हटाने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते, क्या समझा? डेरिवेटिव को हटाने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं, तो जैसे जैसे हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे वैसे वैसे डेरिवेटिव हट जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है? क्या क्या इसमें, एक दूसरा तरीका भी हो सकता था शायद, देखते हैं उससे होता है क्या, के बाय वी है, ठीक है? एक तरीका तो मैंने बताया अभी, इंटीग्रेशन ले लेके डिस्प्लेसमेंट निकालो फिर सॉल्व करो। दूसरा एक फॉर्मूला भी रहता है समझो, वर्क का और एक फॉर्मूला है, लेकिन उसका कुछ फायदा होगा या नहीं होगा इधर क्या? पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वैरीज विद द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वी। करना पड़ेगा मन के बी हम्म, बी इंटीग्रेशन